हेलो फ्रेंड्स, देखिए जी मैं बहुत ही आसान और सुंदर सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान, जितना ये देखने में सुंदर है उतना बनाने में भी बहुत ही आसान है। आप किसी भी प्रोजेक्ट पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है ये। ये छोटा सा मैंने इसका बॉर्डर बनाया है, उस ऊपर से ये डिज़ाइन डाला है। ये देखिए ऐसे सुंदर सा डिज़ाइन बन के आता है इसका। चलो अभी मैं दूसरा बनाना बताती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। देखिए देखिए इसको जे छः छः फंदों का डिजाइन है। अब छः फंदों के डिजाइन है जी। छः फंदों के डिजाइन बनता है इसका। देखिए जी इसको एज इट इज उतार लेना। अगर आप कैसे बुन के उतारते तो ऐसे कर सकते हैं, अगर एच डी जो उतारना तो आपकी मर्जी है, ऐसे करना। अब देखिए इसके हमने चार फंदे उल्टे डालने हैं और जो दो फंदे हैं ना इसके इसके ऊपर हमारा डिज़ाइन बनेगा। ये दो फंदे ऐसे चार फंदे उल्टे, तीन चार, और जो दो फंदे हैं इसके ऊपर डिजाइन अगली सिलाई पे डालेंगे। चार फंदे उल्टे, तीन चार, दो फंदे डिजाइन के, अब आगे चार फंदे उल्टे। इसको एज डी उतार लेना और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी डालनी है ऐसे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ऐसे, पूरी सिलाई उल्टी बनानी है इसकी। अब हम इस पर डिज़ाइन डालेंगे। देखिए जी इसको एच डी जी उतार लेना है। अब चार फंदे उल्टे, चार, अब जो डिज़ाइन डालेंगे देखिए ऐसे इसको करके पीछे, उसके बाद जो ए साइड है ना इसके साथ ऐसे बनाना है इसको, और इसको खींच लेना। उसके बाद इस ऐसे ऐसे डाल के फंदे को ऐसे ऊपर से घुमा के ऐसे करना, ऐसे ये डिज़ाइन डालता। उसके बाद ये चार फंदे उल्टे, चार फंदे उल्टे, जब ये सीधा फंदे आए ना दो उसके ऊपर डिजाइन डालना ऐसे करके, धागा पीछे ऐसे ऐसे खींच लेना। अब पीछे से ऐसे बनाना इसको ऐसे, चार फंदे उल्टे और धागा पीछे पीछे करके इसको ऐसे निकाल के ऐसे ऐसे, और इसको ऐसे खींच लेना है। उसके बाद इसको ऐसे करके करना है ऐसे, ऐसे बन के आता है ये डिज़ाइन। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी होती है ऐसे। तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह जे फोर्थ सिलाई का। अब हमारी जो फिफ्थ सिलाई चलेगी, देखिए ऐसे
इसको ऐसे उतार लेना, ऐसे उतार के धागा अपनी ओर, एक दो तीन चार, चार करके उसके बाद धागा ऐसे अपनी ओर करके उसके बाद ऐसे उल्टा बना के ऐसे पीछे खींचना है, उस डिज़ाइन ऐसे बनेगा जी, ऐसे करके ऐसे ऐसे, और फिर एक दो तीन चार, उसके बाद फिर ऐसे धागा पीछे करके पीछे से आगे ला के ऐसे और ऐसे खींच के ऐसे बनाना है, और ये सारा डिज़ाइन ऐसे बन के आता है, ऐसे बन के आता है, सारा डिज़ाइन ऐसे बन के आता है। देखिए ये बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बनता है।